नमस्कार दोस्तों, बिजनेस की बात प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस का संकट, लॉकडाउन और इसी बीच RAI की सरकार से मांग, क्या है ये आइए जानते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के चलते रिटेल सेक्टर्स रुक से गए हैं। इसी के चलते रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RAI ने सरकार से 25,000 रुपए तक के वेतन पर 50% तक की सब्सिडी और लोन की रीपेमेंट के लिए 6 से 9 महीनों का मॉरेटोरियम देने की मांग की है। आपको बता दें कि रिटेल सेक्टर की ओर से चुनौतियों का सामना करने के बाद RAI ने बुधवार को इस पर अपनी प्रस्तुति सरकार को दी। साथ ही COVID-19 महामारी की वजह से आई चुनौतियों से निपटने में उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया है। RAI के चेयरमैन ने इस पर क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचा सकें। RAI के चेयरमैन BS नागेश ने कहा कि रिटेल इंडस्ट्री में लगभग 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं और गैर जरूरी चीजें नहीं खोलने से 2 से 2.5 करोड़ कर्मचारियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसने रिटेल सेक्टर के लिए GST में कटौती के साथ वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए 25% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी क्रेडिट लाइन यानी एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लाइन की मांग की है। तो इस पर सरकार के फैसले का इंतजार करते हैं, लेकिन RAI ने सरकार से जो मांग की है उस पर आपका क्या विचार है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए।